हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारी, टेस्टी मूंग दाल कचौरी, वो भी पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो आइए देखते हैं ऐसे टेस्टी कचौरी के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने एक कटोरी मूंग दाल को 8 घंटे भिगो के रख दिया। ये 2 कटोरी मैदा है, उसके अलावा तेल, हींग है, ये है बेसन 1/4 कप, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, काला नमक, सादा नमक, कस्तूरी मेथी और ये है अजवाइन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। उसके अलावा मैंने लिया खड़े मसाले, उसमें लिया है 1 स्पून खड़ा धनिया, 1 स्पून सौंफ, 1 स्पून जीरा, 1/2 स्पून काली मिर्च। ये है खड़े मसाले, इनको मैं दरदरा ग्राइंड करके रख लूँगी। मैंने डाला इनको जार में। अब मैंने पाउडर बना लूँगी, दरदरा पाउडर बना लिया। अब मैं इसमें को रख रही हूँ साइड में। अब इसी जार में मैं दाल को भिगो लूँगी। दाल को मैंने 8 घंटे पहले भिगो दिया था, फिर उसके बाद उसे छन्नी में डाल दिया ताकि उसमें जितना भी पानी हो पूरा निकल जाए। अब मैं इसको डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। अब मैं इसे दरदरा ग्राइंड करूँगी, इसे हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। पानी नहीं डाली हूँ, एकदम दरदरा मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसको भी रख रही हूँ साइड में। अब हम बना रहे कचौरी के लिए आटा। मैंने लिया 2 कटोरी आटा, उसमें 1/4 स्पून या 1/2 स्पून अजवाइन लेके क्रश करके डाल दिया है। उसके अलावा मैं डाल रही हूँ 4 स्पून ऑयल, ये मोयन है। ऑयल डालने से जो कचौरी है वो खस्ता बनेगी और अजवाइन डालने से डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छे से आएगा। अब मैं डाल रही हूँ 1/2 स्पून नमक। डाल के सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। स्पून से उतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि अजवाइन, तेल, नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हमें इसे हाथ से मुट्ठी बना के देखना इस तरीके से। अगर मुट्ठी बन रही है इसका मतलब मोयन परफेक्ट है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम इसका नरम आटा बना के रख लूँगी। आटा एकदम नरम बन गया। अब मैं इसे ढक के आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अब मैंने लिया एक पैन, पैन में डाला अराउंड 2 स्पून ऑयल, ऑयल जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने डाले खड़े मसाले जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था। मसालों को मैंने थोड़ा भून लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग अराउंड 1/4 स्पून डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। हींग डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, डाइजेशन अच्छे से होगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप बेसन। बेसन डालने से जो कचौरी का स्टफिंग है उसमें बाइंडिंग अच्छे से होगा, टेस्ट भी बहुत अच्छे से आएगा। बेसन को हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आए या कच्चापन ना निकल जाए। अब मैं इसमें 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा खिसके डाल रही हूँ। आप चाहो तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो। अदरक डाल के मैंने फिर से अच्छे से भून रही हूँ। हमें इसे धीमी आंच पे ही भुनना है। अब बेसन भुन गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ मूंग दाल जिसे हमने 8 घंटे भिगो के फिर ग्राइंड कर लिया था। डाल के अब हमें एकदम लगातार अच्छे से चलाते हुए भुनना है तब तक जब तक कि दाल में का पूरा मॉइस्चर ना निकल जाए। अगर इसे हम अच्छे से भून लेंगे तो इसकी स्टफिंग आप बना के 1 महीने तक भी रख सकते हो। फिर जब आपको कचौरी बनाना है तब आप इसे बना सकते हो। अब मैं दाल को अच्छे से भून रही हूँ। दाल ऑलमोस्ट भुन चुका है बट पूरी तरह नहीं भुना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी 1/2 स्पून, मिर्च पाउडर 1/2 स्पून, मैंने 1/2 स्पून डाला है क्योंकि मैंने काली मिर्च भी डाला था। अब मैं डाल रही हूँ चाट मसाला और गरम मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर या एक नींबू भी निचोड़ के डाल सकते हो। अब मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ धीमी आंच पे लगातार। हमें अभी तब तक भुनना है जब तक कि दाल में से अच्छी खुशबू ना आए या पूरी तरीके से भुन ना जाए। दाल अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, काला नमक और सादा नमक। काला नमक डालने से टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। दोनों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ। भून के अब लास्ट में मैं इसमें डालने वाली हूँ कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी 1/2 स्पून है, इसे मैं क्रश करके डाल रही हूँ। कस्तूरी मेथी डालने से भी टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा, खुशबू बहुत अच्छे से आएगा। अब मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ। हमारा स्टफिंग बन के रेडी है। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 स्पून शुगर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। अब मैंने शक्कर डाला है, शक्कर डाल के इसे थोड़ा सा भून रही हूँ। हमारा कचौरी का स्टफिंग बनके रेडी है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। स्टफिंग बन गया है, हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया। मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हमारा स्टफिंग भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसके बना रही हूँ गोले, कचौरी के बैटर के मैं इसके बॉल्स बना रही हूँ। बॉल्स बनाने से जब हम लोग कचौरी बनाएंगे स्टफिंग गिरेगा नहीं और अच्छे से कचौरी बन जाएगी। सारे स्टफिंग के मैं बॉल बना के रख ले रही हूँ। आपको जिस साइज़ के चाहिए, अगर आपको कचौरी छोटी बनानी है तो छोटे बनाओ, बड़े बनाने तो बड़े। सारे बॉल्स बन गए, आटे के भी मैंने बॉल बना के रख लिए हैं। अब मैंने एक आटे का बॉल उठा लिया है। अब मैं इसको हाथ से अच्छे से प्रेस कर रही हूँ और इसे हमें साइड से दबाते हुए पतला करना है, साइड से दबाते हुए प्रेस करना है। बीच में हमें इसे मोटा रखना है।
अब इसको मैंने अच्छे से फैला लिया है साइड साइड से, ताकि साइड साइड से पतला रहे। अब मैं एक स्टफिंग का बॉल उठा के आटे के बीच में रख के इसे साइड से उठाते हुए बंद कर रही हूँ। बंद करके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं हाथ से निकाल के इसको फिर से राउंड कर रही हूँ। हमें एकदम हल्के हाथ से करना है। उसके बाद हमें इसको बीच में से अच्छे से दबाते हुए साइड से पतला करना है और बीच से मोटा रखना है। साइड से पतला होना चाहिए, बीच से मोटा होना चाहिए, इस तरीके से बन गया है। मैं आपको एक और कचौड़ी बना के दिखा रही हूँ। एक बॉल उठाया मैंने, इसको मैं साइड से दबाते हुए पतला कर रही हूँ, इसी तरीके से पतला करना है। उसके बाद अब मैं एक स्टफिंग का बॉल उठा रही हूँ, उठा के उसको मैं रखूँगी इसके बीच में। फिर उसके बाद साइड से आटा उठा रही, जिस तरीके से हम लोग मोदक बनाते हैं उसी तरीके से आटा उठा के बंद करना है। फिर उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा स्टफिंग है, सॉरी एक्स्ट्रा आटा है, उसे निकाल के हाथ से दोनों हाथ के बीच में इस तरीके से दबाते हुए हमें कचौरी बनाना है। ये भी बन गया है। आपको मैं एक बेल के भी दिखा दूंगी। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आप बेलन से भी बना सकते हो। अब मैंने एक आटे की लोई उठाई है, अब मैं इसको साइड साइड से बेल रही हूँ। मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं बेल रही हूँ, साइड साइड से बेलते हुए हमें उसे पतला करना है और बीच से मोटा रखना है। अब ये बेल ली हूँ, आप देख सकते हैं साइड से पतला है, बीच में थोड़ा सा मोटा है। अब मैं एक स्टफिंग का बॉल उठा रही हूँ, उठा के उसको बीच में रख के साइड से उठाते हुए इसे बंद कर रही हूँ। उसके बाद ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल के हाथ से इसे अच्छे से बंद करके गोला बनाया। अब हल्के हाथ से बेलन से मैं इसे बेल रही हूँ, हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना, एकदम हल्के हाथ से इसे बेलना है, इस तरीके से। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से अब मैं सारे कचौड़ियाँ बना ले रही हूँ। सारे कचौड़ियाँ बन गई हैं, तेल भी गर्म हो गया, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मैंने मतलब मीडियम ही इसे गर्म किया है, मीडियम गर्म किया। अब मैंने इसमें एक कचौड़ी डाला, उसके बाद मैं एक एक करके दो कचौड़ियाँ और डालूँगी। गैस का फ्लेम एकदम स्लो है, कचौड़ी डाल के हमें तुरंत इसे नहीं पलटना है, हमें वेट करना है तब तक जब तक कि कचौड़ी अपने आप ऊपर नहीं आती हैं। चाहो तो बीच में आप स्पून से इन्हें थोड़ा साइड में कर सकते हो, करके आप वेट करना। आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ अपने आप तेल के ऊपर आ गई है और ऊपर थोड़े से बबल्स भी आ गए। बस जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद हम इसे पलटेंगे। पलट के अब हम धीमी आँच पर इसे पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करेंगे। कचौड़ी को हमें हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है। अब ये फ्राई हो गए, मैंने निकाल रही हूँ। अब इसी तरीके से मैं बाकी सारी कचौरियों को भी फ्राई करूँगी। अगर हम लोग हाई फ्लेम पे कचौरियों को फ्राई करेंगे तो ये गोल्डन ब्राउन तो दिखेगी पर कचौरियाँ क्रिस्पी नहीं बनेगी। कचौरी बनाते समय कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि कचौरी का आटा नरम हो, स्टफिंग के हमें बॉल्स बना लेने हैं। अगर आपके स्टफिंग के बॉल नहीं बनते, बहुत सूखा सूखा स्टफिंग बन गया है, तो उसमें एक स्पून ऑयल डाल के थोड़ा सा पानी छिड़क के उसे गर्म कर लेना और ऊपर से आधा नींबू निचोड़ लेना, स्टफिंग नरम हो जाएगा। उसके बाद आप उसके बॉल बना लेना। स्टफिंग कचौरी में भरने के बाद एकदम जोर से नहीं प्रेस करना है, हल्के हाथों से दबाना है और धीमी आंच पे ही सारे कचौरियों का फ्राई करना है। बस इन बातों का ध्यान रखोगे तो कचौरी बहुत टेस्टी बनेगी। मैंने सारी कचौरियाँ फ्राई कर लिया और उन्हें सर्व किया है इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप भी इसे बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।